मथुरा के गांव अडिंग के लोग तेंदुए के आने की खबर से दहशत में हैं। लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले गोवर्धन के गांव अडिंग के ही रहने वाले पूर्व प्रधान मुनीर स्वरूप के खेतों में तेंदुआ दिखा था। वहीं खेत में पानी लगा रहे एक किसान ने तेंदुए को देखा तो घबरा कर शोर मचाने लगा। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे ही थे तो तेंदुआ खेतों की तरफ भाग गया। इस दौरान तेंदुआ की खबर से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं खेत स्वामी व ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने काफी प्रयास किया लेकिन तेंदुए के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। टीम ग्रामीणों से पूछताछ कर लौट गई। यहां आपको बताते चले कि वन विभाग के इंस्पेक्टर B.S. परमार ने ग्रामीणों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है और लोगों से कहा है कि अगर तेंदुआ दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें। इसके लिए अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, साथ ही ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी अनुरोध किया है। इस दौरान मथुरा से आई वन विभाग की टीम सहित गोवर्धन से B.S. परमार चौकी प्रभारी अमरीश कुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल पवन पचौरी सहित अन्य विभाग व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? पूर्व प्रधान मुनीर स्वरूप। मुझे इस प्रकार से वन विभाग की टीम यहाँ घूम रही है, क्या कुछ मामला है? यहाँ पे परसों सूचना मिली है कि चीता या तेंदुआ की शिकायत है, वो लोगों ने देखा भी है और रात को मेरे भी खेत पे आ गया था। मेरे जो एक काम कर रहा था, एक पवन नाम का, उसने भी देखा है। देखा था उसने जी। तो अब यह टीम आई है, क्या कुछ कर रहा है? टीम कर रही है। अब टीम को मिला नहीं है। टीम ने हमको कहा है कि जब भी मिले हमको बताना, रात को 11 बजे 12 बजे जब भी हो हम आएंगे। इस प्रकार से आज टीम खेत पे आई है गांव अडिंग में, क्या कुछ मामला था? ये जो है रात को सूचना मिली थी तो हम लोग रात में भी आए थे सर्च करने के लिए, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें कोई जानकारी स्पष्ट नहीं आई। यहाँ पर चिन्ह देखे गए थे जो कि तेंदुआ के ग्रामीणों के द्वारा बताए थे। हम लोगों ने उसका सर्च किया, देखा तो हायना प्रतीत होता है। हायना। तो क्या कुछ और मामला आपको लग रहा है? मतलब क्या उम्मीद मतलब लग रही है, जैसे गाँव वाले बता रहे हैं कि यहीं आस पास है, तो क्या मिल सकता है? इसको सर्च किया जा रहा है। हमने अपनी टीम लगा दी है तथा ग्रामीणों से भी मेरी अपील है कि अगर अपने खेत खलिहान में जाएं तो अकेले ना निकलें, समूह के साथ निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें तथा मास्क का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में अपने कृषि कार्य हेतु निकलें। मेरा मोबाइल नंबर है 89-58-56-57-86, ये मेरा व्हाट्सअप है, तथा दूसरा 790-696-2094। इस पर अगर कहीं भी कोई भी सूचना अगर मूवमेंट कहीं मिलता है ग्रामीणों की, तथा मेरी टीम भी मौके पर लगी हुई है, अगर ग्रामीणों को कहीं भी अगर हायना या टाइगर जैसी सूचना अगर मिलती है देखते हुए तो तत्काल सूचना अधोस्थाचित करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.